बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। वेलकम कर रहे हैं अपने अपनी चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो, हैप्पी रहो। आज हम बनाने लगे हैं चिकन बिरयानी, हैदराबादी चिकन बिरयानी, जो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत जैक वाली बनती है। आपने हमारी पूरी वीडियो देखनी है और आज तक हमारे साथ जुड़े रहना है कि हम कैसे बनाते हैं हैदराबादी चिकन बिरयानी, तो आपने देखनी है। कि अब चले जी, घी गर्म हो गया है, प्याज डाल देते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है, लेकिन बनाई तो हर किसी ने है, लेकिन हर किसी ने अलग अलग तरीके से बनाई है। आज अब हमारे तरीके से हमें भी देखना कि हम किस तरीके से बना रहे हैं। बहुत ही मज़े की बनती है जिस तरीके से हम बनाएंगे, तो आपने ज़रूर हमारी फुल वीडियो देखनी है कि हमने कैसे बनाई है हैदराबादी चिकन बिरयानी। तो चले जी, प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। प्याज ब्राउन हो रहा है तो मैं आपको लोगों को बता दूँ कि जो हमने खड़े मसाले डालने हैं, दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची और कड़ी पत्ता, ये हम खड़े मसाले डालेंगे। जो पाउडर मसाले डालेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी बाद में जब डालेंगे। तो पाउडर मसाले हमने ये लिए हैं, एक चम्मच सुरख मिर्चों का, तीन चम्मच नमक के, एक चम्मच कुटी हुई मिर्च का, हाफ चम्मच काली मिर्च का जैके के लिए, और हाफ चम्मच ही गर्म मसाले का, और तीन चम्मच हमने लिए हैं चार गोश्त के तीन चम्मच हमने लिए, क्योंकि हम टमाटर नहीं डाल रहे, इसलिए हम चार गोश्त डाल रहे हैं और बाद में लेमन भी डालेंगे, तो इसलिए हमने टमाटर नहीं डाले। तो ये मसाले जाएंगे। चले अब नंदा उधर देखते हैं प्याज ब्राउन हो गया या नहीं। देखिए प्याज ब्राउन हो गया, अब थोड़ा सा पानी डालते हैं क्योंकि प्याज कलर निकाल लें। ये देखिए माशाल्लाह प्याज ने कितना अच्छा कलर निकाल लिया है। अब अदरक और लहसुन पीसे हुए के एक चम्मच भर के डाल देते हैं। ये मिक्स कर लेते हैं। आपने फुल वीडियो देखनी है, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि फुल वीडियो देखें, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती है हैदराबादी बिरयानी। अब चिकन डाल देते हैं। चिकन की अब अच्छे तरीके से हम बनाई करेंगे। और साथ ही खड़े मसाले डाल देते हैं। चलिए अब अच्छे तरीके से इसकी बनाई कर लेते हैं। ये देखिए तकरीबन 8-10 मिनट हो गए हैं हमें गोश्त की बनाई करते हुए। तो अभी इसके अंदर पाउडर मसाले डालते हैं। पाउडर मसाले डालने के बाद ही 4-5 मिनट और भुनेंगे, क्योंकि गोश्त की बनाई अच्छी तरीके से हो जाए ना तो चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने देखे हैं कि गोश्त को अच्छी तरीके से भूनते नहीं, वाइट वाइट से ही रहने देते हैं, तो वो चावलों में जैका ही कुछ और ही आता है ना। तो आप हमारे तरीके से बनाना तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ये देखिए मसाले डालने के बाद भी हमने 4-5 मिनट भून लिया है, पानी डाल देते हैं। जो बर्तन मैंने चावलों का लिया था वही मैं पानी के डाल दिए। दो मैंने चावलों के लिए हैं और मैं तीन पानी के डालूंगा। चलिए अब पानी उबलने का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए पानी उबलने लग गया है। अब इसके अंदर ज़ीरा डाल देते हैं। इस टाइम पे आप लोग भी ज़ीरा डालना, ज़ीरे की स्मेल फिर में बहुत अच्छी आती है चावलों में से। अगर पहले डाल देना भून भून के वो महक ही उसकी ख़त्म हो जाती है, तो आप लोग भी इस टाइम पे डालना। बहुत आप जब कवर उठाएंगे तो इतने प्यारी खुशबू आएगी इसके अंदर से। तो चलिए अब चावल डाल देते हैं। चलिए जी चावल डाल दिए हैं। मिक्स कर दिए हैं। अब कवर करके पानी खुश्क होने तक देखते हैं। ये देखिए पानी खुश्क हो गया। अब जो हमने प्याज निकाला था ना वो ऊपर डाल लेते हैं। इससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही अच्छे बनते हैं जायके वाले। धनिया डाल देते हैं ऊपर।
और साथ ही लेमन ऊपर रख देते हैं, क्योंकि ये हम हैदराबादी चिकन बिरयानी बना रहे हैं ना, इसलिए। सारे ऊपर रख दिए हैं। चलिए ये देखिए सारी चीज़ें डाल दी हैं, अब कवर करके दम पे रख देते हैं 10 मिनट के लिए, और दरमियान में ही हम इसके ऊपर कलर भी डालेंगे। चलिए ये देखिए कवर कर दिया, अब दम के लिए रख देते हैं। चलिए जी अब कलर डाल देते हैं, ज़्यादा कलर। अब फिर कवर कर देते हैं। चलिए जी अब कवर हटा के देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितने पे हमने कलर उस वक्त डाला था रंग जैनी के, जब हमें 5 मिनट हो गए थे दम पे रखे हुए, उस वक्त हमने डाला था कलर। तो ये देखें माशाल्लाह अलग अलग, और एक एक दाना बनाया जायके से भरपूर है। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे बने हुए हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमारी हैदराबादी चिकन बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी बनी हुई है, कलरफुल, और ये देखें एक एक दाना अलग बना हुआ है। तो ये देखें साथ मैंने रायता बनाया हुआ है, और प्याज और खीरे। तो अगर आप लोगों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं जा चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।